हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, मेरा यहां पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको नीट 2020 में सिलेक्शन लेना है तो आपको टारगेट 650 प्लस सेट करना होगा। काफ़ी स्टूडेंट कट ऑफ का टारगेट सेट करके रखते हैं। उदाहरण के तौर पर नीट 2019 की एग्जाम में स्टूडेंट ने 550 का टारगेट सेट किया था और नीट 2019 की कट ऑफ ज़्यादा रह जाने के कारण इस बार नीट 2020 के लिए कट ऑफ 600 प्लस मार्क्स रहने की संभावना हो गई है। तो आपने 600 का टारगेट सेट करने की बजाय 650 प्लस का टारगेट सेट करके रखना है, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स वो होते हैं जिस नंबर पर स्टूडेंट को लास्ट कॉलेज मिलती है। मैं आपको यहां पर यही बताऊंगा कि 600 मार्क्स की बजाय 650 प्लस मार्क्स का टारगेट सेट करके रखना है। अभी दूसरा पॉइंट यह है कि टारगेट सेट करने से कुछ नहीं होगा। उस टारगेट को अचीव करने के लिए उस टारगेट के मुताबिक आपको प्लानिंग के अनुसार स्टडी करनी होगी। आप तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स सेट करें। जैसे बायो में 350 प्लस मार्क्स आपको लाने हैं, बाकी केमिस्ट्री में 160 मार्क्स का टारगेट सेट कर लें और फिजिक्स में 140 मार्क्स का टारगेट सेट कर सकते हैं। उसके अनुसार आप स्टडी करके टारगेट अचीव कर सकते हैं। मगर आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप बायो में टारगेट कम करके फिजिक्स का टारगेट ज़्यादा कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप सब्जेक्ट वाइज सेट कर लें। तीसरा पॉइंट यह है कि काफ़ी स्टूडेंट को साल भर ये टेंशन रहती है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। यह स्टडी में बाधक बनने का सबसे बड़ा पॉइंट है। जो आगे होगा वो अच्छा ही होगा। भविष्य की चिंता न करते हुए मेहनत पर विश्वास रखें, आपका फ्यूचर ब्राइट ही होगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में सारांश यही निकलता है कि आप सब्जेक्ट वाइज 650 का टारगेट सेट कर लें और इस टारगेट को अचीव करने के लिए प्लानिंग के अनुसार स्टडी करें। बिना किसी टेंशन के स्टडी करें। अपने दिमाग में हमेशा यही रखें कि मेरा इस बार सिलेक्शन अवश्य होगा। तो ये जानकारी थी कि हमने कैसे 650 का मार्क्स स्कोर गेन करना है। और बाकी कोई इसके बारे में जानकारी मिलेगी, कोई इस प्रकार का वीडियो होगा तो मैं ज़रूर आप तक लेके आऊँगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस कर दें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, नए वीडियो में। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।